नमस्कार खेडूत मित्रों, ओनली खेडूत हेल्प में आपनु स्वागत छे। आजे तारीख 3 जून 2022, आजना सवारना 5:30 वाग्याना महत्वना हवामान समाचार जाणीशुं, जेमां सौथी पहेला वात करीशुं के आजे पवननी झड़प केटली जोवा मळशे। कारण के रोजे रोज वावाझोड़ा जेवो पवन फूंकाय छे, झोटाना पवननी झड़प 50 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़प पण थाय छे। तो आजनी वात करी, सौथी पहेला जोईए द्वारका 45 किलोमीटर प्रति कलाक, सलाया 50, जामनगर 54 किलोमीटर प्रति कलाक, मोरबी 53 किलोमीटर प्रति कलाक, जयरे पोरबंदर जूनागढ़ अने वेरावल सुधीना दरिया किनारा में 45, ऊना 53 किलोमीटर प्रति कलाक, महुआ 50 किलोमीटर प्रति कलाक, भावनगर 38, सूरत 42 किलोमीटर प्रति कलाक एटले के दक्षिण गुजरात माटे, तेमज अमदावाद आजूबाजू 35 किलोमीटर प्रति कलाक, उत्तर गुजरात में 35। कच्छ जिल्ला में सौथी वधारे जोवा मळशे, जेमां लखपत 60 किलोमीटर प्रति कलाक, नलिया में 54, मांडवी में 55, गांधीधाम 54 किलोमीटर प्रति कलाक जेवी झड़प जोवा मळशे। अत्यारना समये वात करिए तो कच्छ जिल्लो तेमज सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात अने दक्षिण गुजरात में काळा वादळों सवायेला जोवा मळे छे। जोईए आगामी समय में वातावरण केवुं रहेशे, तो आगामी समय में वादळशायुं वातावरण रहेशे। हवामान विभाग तेमज हवामान निष्णातों द्वारा आगाही करवामां आवी छे कि 15 जून थी विधिवत चोमासानी शरूआत थाय त्यार पछी कोईपण समये वावणी लायक वरसाद पड़ी शके छे। चोमासु धीमे धीमे आगळ वधी रह्युं छे, तेमां झड़प पण वधी छे। तो आगामी समय में 10 तारीख पछी दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्र में वरसादनुं आगमन थशे। सरेराश वरसाद सौराष्ट्र में 40 इंच थशे, ज्यारे दक्षिण गुजरात में 100 इंच जेवो वरसाद पड़शे अने मध्य गुजरात तेमज उत्तर गुजरात में 35 इंचनी अपेक्षा हवामान निष्णातो राखी रह्या छे। मित्रों, हवे वात करिए आ रीते अरबी समुद्र में जे सीस्टम छे ते गुजरात तरफ आगळ वधी रही छे। धीमे धीमे 8 तारीख में एकदम गुजरातनी नजीक हशे, एटले 9 तारीख थी गुजरातनी अंदर वरसादनी शुरुआत थशे। प्री मॉन्सून एक्टिविटीनो वरसाद पड़वानुं चालू थशे, जेमां सौथी पहेला वात करिए तो 9 तारीख में दक्षिण गुजरातनी अंदर सूरत, वलसाड, तापी, डांग तेमज सौराष्ट्र में भावनगर, अमरेली, ऊना, जूनागढ़, पोरबंदर आ बधा विस्तारों तेमज नलिया, गांधीधाम आजूबाजूना विस्तारोंनी अंदर वरसाद जोवा मळशे। आगळ वात करिए तो 10 तारीखमां कया विस्तारोंनी अंदर शक्यताओ रहेली छे, तो 10 तारीखमां पण दक्षिण गुजरातना सूरत, वलसाड, तापी तेमज सौराष्ट्रनी अंदर शक्यताओ रहेली छे, जेमां 10 तारीखे सौथी वधारे जो शक्यताओ होय तो दक्षिण गुजरात माटे छे। तेना विस्तारों सूरत, वलसाड, तापी, डांग आ जिल्लाओनी अंदर वधारे शक्यताओ छे, तेमज सौराष्ट्रमां पण दरिया किनाराना विस्तारोमां वरसादनी शक्यताओ रहेशे। जोईए हवे 11 तारीखमां केवो माहोल जोवा मळशे, तो 11 तारीखमां समग्र सौराष्ट्र तेमज दक्षिण गुजरातनी अंदर वरसादनी आगाही करवामां आवेली छे। 15 तारीख सुधीमां समग्र गुजरातमां वावणी लायक वरसाद थाय तेवो माहोल सર્જાવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। તો 12 તારીખની વાત કરીએ તો 12 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્રના વેરાવળ, ઉના, મહુવા, અલંગ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ તેમજ જામનગર, રાજકોટ, ચોટીલા, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર સુધીના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ તેમજ વાત કરીએ તો ભરૂચ જિલ્લો, નર્મદા જિલ્લો, છોટા ઉદેપુર જિલ્લા સુધીના જે વિસ્તારો છે તેની અંદર વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે। મિત્રો, 10 દિવસનું ફોરકાસ્ટિંગ બતાવે છે, તેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના આ વિસ્તારો તેમજ સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ પટ્ટીના જે આ વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની શક્યતાઓ બતાવે છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા મહત્વના સમાચાર, ફરી વખત મળીશું આવતીકાલના વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। જય જવાન, જય કિસાન।